दो। देखो देखो ठीक है। हाय मत करो बेटा, उसमें करंट लग जाएगा। हाय कर दो, हाय कर दो, डेली हाय करते हो, आज नहीं करोगे? हाय कर दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और सुबह से बहुत ख़राब सा मूड है क्योंकि राजा का एक काम चल रहा था, उस काम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है और हम लोग का प्लान था रक्षाबंधन तक रुकने का और रक्षाबंधन वाले दिन ही हम लोगों को निकलना है यहाँ से, क्योंकि वो कहते पहले निकल लेते हैं और पहले कैसा था कि एकदम से हो नहीं पा रही थी, तो और सामान भी बहुत फैला हुआ है मेरा यहाँ पर, तो उन्हें बड़ा दो दिन का टाइम दो और निकलो। वैसे हम लोगों का प्लान था 21 तारीख तक निकलने का, 19 तारीख का। मामा हाय हाय फ्रैंकिश, क्या खाया? आ करो दो। ब्लॉग करने के लिए बैठी हूँ और ये लोग आके यहाँ पे बहुत बाय बाय। पापा कहाँ हैं? बुला के लाओ पापा को। तो थोड़ा मूड अजीब सा हो रहा है मेरे को, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि बस रोना सा आ रहा है क्योंकि मेरी पहली रक्षाबंधन थी मायके में और जस्ट सुबह से ब्लॉगिंग किया मैंने चक्कर में, तो बहुत सीरियस ही फंस गया एकदम से काम इनका। पहले तो था कि 25 तक जाना है और अब एकदम से ऐसा हो गया कि इनको जल्दी जाना है, तो इसीलिए यार अजीब सा हो रहा है। मेरा बिल्कुल ही मन नहीं हुआ कि मैं कुछ करती और ये था कि मैं रक्षाबंधन की तैयारी कर रही थी, राखी लानी थी मुझे आज, तो मैं राखी तो ले आऊँगी हालांकि, बट चौदह तारीख है आज, 15, 16, 17, 18 चार दिन है बस और फिर जाने हैं। सड़न हुआ है आज, दिन तक सही था, सुबह तक भी सही था, फिर आज के बाद कॉल आई है, थोड़ा सा वहाँ पे हुआ है कि इनको जाके देखना ही पड़ेगा। वैसे हो रहा था कि 25 तक जाना है। बच्चा पार्टी गया, तुम लोग स्विच बोर्ड के पीछे क्यों पड़े? मैं उठ रही हूँ, तो मैं इसके आगे ब्लॉग नहीं कर पाई, लेकिन बात नहीं कर पाई। और फिर मैं आ गई थी मम्मी के पास में, मम्मी की तबीयत काफी खराब थी, उन्हें वायरल हो गया था, तो मैं यहाँ पे फटाफट खाना बना रही थी क्योंकि मम्मी की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खाना बनाए। तो मैंने चने जो है वो शॉप में आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने डाली है जीरा और कटी हुई प्याज लहसुन सब कुछ पीस के, जैसे आप बनाते हो, तो वही चल रहा था। तो इस ब्लॉग में बहुत ही स्पेशल थिंग है, मैं अपने भाई के पास जाने वाली हूँ, बस काफी सारे सवाल आते हैं कि मेरा भाई कहाँ है, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, मैं वहीं हूँ तो क्यों नहीं जा रही हूँ। यार वो पूरे दिन बिजी रहता है, जैसे अब मैं आई भी हूँ ना तो वो सुबह से जाएगा रात में आएगा, तो इतना टाइम रहता नहीं है, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस भी हो जाते हैं वहाँ पे बच्चों के साथ जाने में, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि मैं सिर्फ रक्षाबंधन पे जाऊंगी और मेरे लिए हो जाता है क्योंकि बच्चों के साथ अपनी सोसाइटी में जाते हो तो बच्चे बहुत हल्ला करते हैं, तो मैंने वही सोचा था कि मैं जाऊंगी, पर आप लोग को दिखाऊंगी जरूर क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि यार इसकी तो बनती नहीं है, इसका तो भाई नहीं है, इसका तो ये नहीं है, तो मैं अपना रियल ब्रदर इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं खाना ही बना रही थी और अगले दिन हम लोग को निकलना था, तो जो व्लॉग था इसमें मेरे को बहुत सारे इमोशंस आ रहे थे क्योंकि ऑल अदर सडन मैं टिकट बुक कराई थी जाने के लिए, हम लोग को कोई प्लान नहीं था, दो तीन दिन बाद का था क्योंकि राजा का बर्थडे 23 तारीख को है, तो हमें लगा था वो भी कर लेंगे, पर फिर ये हो गया कि यार अब जाना तो जरूरी हो गया इनके काम के कारण, और देखते हैं वो काम की ज्यादा टेंशन हो रही है कि वो एटलीस्ट हो जाए। उसके बाद फिर मम्मी आ गई थी साथ में देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने मम्मी ने मलाई डाली, फिर मैंने यहाँ पे 5-6 रोटी बना दी थी मम्मी के लिए क्योंकि वो राइस नहीं खा सकती थी, उन्हें सर्दी थी जुकाम था, तो इसलिए मैंने रोटी उतार दी कि राइस ना खाएं वो, और राइस भी एक साइड पे मम्मी ने चढ़ा दिए थे हम लोगों के लिए कि मेरे को बहुत सारी रोटी ना बनानी पड़े। फिर यहाँ पे अगले दिन हम लोग राखी की तैयारी ही कर रहे थे, तो चूड़ी बेचने वाले भैया आए, उनसे हमने बहुत सारी चूड़ियाँ खरीदी है जो कि आप अभी थोड़ी सी वीडियो में ही देख लेंगे, तो उनके पास बहुत प्यारे प्यारे सेट थे, कड़ेज थे, चूड़ीज थी कटिंग की, और ये फिरोजा बाद में बनती ना चूड़ी वहां से आए थे, तो ये गली में जा रहे थे, तो मैंने बोला मम्मी हम लोग कहीं जा तो पाएंगे नहीं क्योंकि हमें शाम में निकलना है भाई के पास में, तो हम लोग कुछ तो देख लेते, तो मुझे ये मल्टी कलर कड़े बहुत अच्छे लगे तो ये लिए, और उन्होंने फिर कुछ दो बड़े कड़े दिए थे, फिर इससे हमने एक सेट बनाया और यहाँ पे उन्होंने मुझे सेट दिया, और ये सेट बहुत प्यारा लगा था, मल्टी कलर सेट है और इसे मैं किसी भी साड़ी के साथ कैरी कर सकती हूँ, मेनली रेड ग्रीन एंड येलो के साथ। तो यहाँ पे मैं जो कड़े हैं वो देख रही हूँ,
उसके बाद फिर यहाँ पे जो कड़े हैं वो मैंने पहन के भी देखे, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ पे हम लोग वही शॉपिंग कर रहे थे, मम्मी ने भी बहुत सारे कड़े लिए, तो यहाँ पे टोटल हमने 650 या 700 के कड़ेज लिए और चूड़ी ली। उसके बाद फिर यहाँ पे और कलर्स देख रहे थे, मुझे येलो बहुत अच्छा लग रहा था, पर मेरे को वही लग रहा था कि मुझे जाना है तो मैं इतना सारा सामान ले नहीं सकती क्योंकि वो इन सब पर टूट जाएगा, तो मैंने बहुत ही कम थोड़ा बहुत लिया, मम्मी ने काफी सारे लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाने लगे थे राखी की मेहंदी, दीपा ने स्टेम वाली मेहंदी लगाई थी और इतने सारे कोन मंगवाए थे। बट इस वाली मेहंंदी को अगर आप ले रहे हो तो एक ड्राई लेकिन थोड़ा सा लिक्विड ही आता ना वो वाला ही आप बोलो, इससे नहीं लग रही थी यार, मतलब डिजाइन था वो पूरा मेस सा आ रहा था, आ ही नहीं रहा था इस वाले जो मेहंदी दीपा ने मंगवाई थी। तो सारे एक्सपेरिमेंट मम्मी पे करती है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो उसने लगाई एक बार पोछी, फिर मैंने बोला एक बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, पर वो आ ही नहीं रहा था डिजाइन। तो उसके बाद फिर मैंने बोला मैं नहीं लगा रही यार इससे क्योंकि इससे कोई डिजाइन आने नहीं वाला। उसने मम्मी को एक दो जगह पर लगाया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा फिल कर दिया था, फिर मम्मी ने अपनी बेसिक मेहंदी लगाई, तो किसी काम का नहीं है, लाइक टोटल वेस्ट प्रोडक्ट था ये, अगर आप इसके लिए प्रॉपर मेहंदी जो है वो ना मंगवाओ। फिर मैं यहाँ पे अपने हाथ से लगाने लगी थी मेहंदी, और यहाँ पे मेरे को लगा कि मैं खुद ही लगा लेती हूँ, तो मैंने बहुत टाइम से मेहंदी नहीं लगाई थी, मतलब खुद से करवा चौथ पहले मैं कभी कभी लगा लेती थी खुद से, फिर उसके बाद 3-4 साल से जैसे बच्चे हुए हैं 3 साल से, तब से मेहंदी वाली बुला के लगाती, तो मेरे हाथ बिल्कुल नहीं चलते मेहंदी, मेरे को पता है बहुत ज्यादा दर्द होता है, वही जिनको प्रैक्टिस होती है उनको दर्द नहीं होता। तो मम्मी हंस रही थी कि दीपा को सारे एक्सपेरिमेंट मुझ पर करनी होती है। तो जब भाई के यहाँ जाने से पहले हम लोगों ने अपना लाइक पूरा सिंगार किया, जो सारा सामान था वो किया, एक दो जोड़े पैक किए थे क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे ऐसे रुकना नहीं था ज्यादा, क्योंकि अभी आप देखेंगे मैं आपको रीजन बताऊंगी, क्योंकि कुछ चीजें आपको ब्लॉग में समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को उनको लगता है बस इसको जाना है क्यों नहीं जा रही, बट क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है मेरा पहला रक्षाबंधन है मायके में, शादी के बाद मैं आ नहीं पाती थी कभी भी, और भाई कभी उसकी पढ़ाई इधर रही है, कभी दूसरे शहर रही है, वो कभी रहा नहीं है, तो यही हुआ है। और बैचलर लाइफ में भी होता है कि थोड़ा आपको लगता है कि क्या करना, फिर जाके तो आप भेज देते हो। तो हमारी मेहंदी होगी थी, सबको दिखने वाला है मेरा भाई, और बहुत टाइम से लाइक मैंने कल ब्लॉग शुरू किया था पर मन नहीं हुआ क्योंकि घर जा रहे हो ऑब्वियसली। हम लोग आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए अंकुर के पास, और मेरे डिम्पल के अंदर पिंपल है, डिम्पल के अंदर पिंपल, तो जा रहे हैं क्योंकि मैं उन्हें जा रही हूँ रक्षाबंधन, मम्मी और क्या आपको चलो चलो ठीक है भैया मेहंदी चलो। तो फिर हम निकल गए थे भाई के घर जाने के लिए, लाइक उसके फ्लैट पे जाने के लिए, तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी। तो जैसे कि आपको पता है गुड़गांव में इस टाइम पे इतनी बारिश है, इतनी ज्यादा पानी भरा पड़ा है, कहीं 4-1 हफ्ते से चल रहा है, पानी डेली गिर ही रहा है, हम लोग घर में तो डेली पानी गिरता ही है, तो बहुत सारी जगह है जहाँ इतना इतना पानी भरा पड़ा है कि अभी कार ही डिप हो जाती है इस पानी में। फिर हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, और यहाँ पे मम्मी मैं सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। फिर हम लोगों ने लिफ्ट ली और अपनी जो भी एंट्री थी वो कराई कि फैमिली है, एंड मेरा भाई बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, तो डुगू का भी मुझे कुछ दिखाना था, जिया का मैंने थोड़ा चेस्ट वेस्ट वाला एरिया दिखाना था, जिया को काफी ज्यादा स्वेलिंग आई थी विटामिन की, मेरे भाई ने बोला है, तो वही थोड़ा दिखाना था। हम यहाँ पे पहुंच गए भाई की फ्लैट पे, और ये क्या बोलते हैं एक बार घंटी बजाई, फिर मेरा भाई आया, सब उनको अंदर लेके जाएगा, और मैंने बहुत ज्यादा शूट नहीं किया है उसे बिकॉज ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, और वो कभी नहीं रहता ऐसे कंफर्टेबल ऑन कैमरा, और बस इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोग एंटर हो गए थे घर पे, और मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मम्मी तो यहाँ पे रह के जाती है 15-20 दिन, वो बुलाता है मम्मी आराम से रहती है खाना वाना के लिए, और जो भी उसे कैंप्स ज्यादा रहते हैं तो इसलिए मम्मी ज्यादा आती नहीं है। तो यहाँ पे आ गया था मैं अपने भाई के पास, बहुत दिनों बाद मिले थे तो बहुत सारी बातें हो रही थी, और यहाँ पे राजा ने थोड़ा बहुत शूट किया और वही थोड़ी बहुत बातें, और रक्षाबंधन है तो मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल था, और बच्चे अपने मामा से मिलके बड़े खुश हो रहे थे, और बहुत लाइक फर्स्ट टाइम जिया मिल रही थी और डुगू तो जाए, जिया तो गई ही नहीं है पूरे दिन ही नहीं गए, तो 2-3 बार लेने की कोशिश की जिया नहीं गई। उसके बाद फिर बच्चों के लिए वो गाने चला रहा था, कार्टून चला रहा था, और इसी बीच में फिर हम मौसम देख रहे थे, इतना प्यारा मौसम हो रहा था, बारिश बहुत तेज हो जा रही थी, कुछ दिख नहीं रहा था, और फिर बारिश रुक जा रही थी। फिर थोड़ा सा यहाँ पे हम दिखा रहा था वो अपने जो दूसरा रूम है 2 BHK अपार्टमेंट है जो फ्लैट है, तो दिखा रहा था, तो फिर वहां से ना बारिश का मैं मजे ले रही थी, खिड़की खोल दी थी, तो मैंने हाथों पे अच्छी अच्छी बारिश, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था 11th फ्लोर पे, लाइक आप थोड़ा हाइट पे रहते हो तो थोड़ा ज्यादा इंजॉय कर पाते हो, हम लोग तो फर्स्ट पे रहते हैं, उस ऊपर तो हो ही नहीं सकता
तो यहाँ पे मैं बारिश आ रही थी बहुत अच्छी यार, तो हमने बालकनी नहीं खोली थी, सिर्फ मैं और दीपा गए थे, क्योंकि वहां पे ऐसी ग्रिल थी कि बच्चे आराम से निकल के गिर जाते नीचे, और 11th फ्लोर पे इसके हम ज्यादा वो नहीं कर रहे थे, तो भाई ने यहाँ पे खिड़की खोल दी थी कि हम खिड़की से इंजॉय कर ले। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेरी बहन ये मेरे भाई का जो है ये मेडिकल हेल्थ कैंप का सर्टिफिकेट मैं थोड़ा शूट कर रही थी, जम्मू गया था वो जब, तो यहाँ पे मैं को दीपा दिखा रही थी बालकनी, मैंने बोला बच्चों को पकड़ लेना, बच्चों को नहीं लेके जाना हमें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आराम से पास हो सकते थे, ये जो ग्रिल्स थी ये वाली बहुत डेंजरस, लाइक ऑब्वियसली बच्चा फ्रेंडली घर नहीं आया है ना, ये बच्चा आया तो मैं वही देखी, मैं बोला चल भाई ना खड़े हो रहे हम यहाँ पे, क्योंकि गलती से कुछ भी हो जाएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा शूट करने के बाद, थोड़ा खुश होने के बाद, हम लोग को जाना था डिनर के लिए, और फिर हम लोग निकलेंगे अभी थोड़ी सी देर में डिनर। बारिश हो रही है अभी, हम लोग डिनर के लिए जाएंगे, अभी भाई के यहाँ पे हैं और चाय बन रही है, और यहाँ से हम ले रहे हैं मौसम, कितने ऑसम नज़ारे 11th फ्लोर पे हम लोग। फिर मैं अपने भाई का थोड़ा देख रही थी, ये उसने मंदिर सेटअप करके रखा हुआ है, डुगू हर चीज, बच्चे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, जिया बड़ी खुश थी, दोनों बच्चे बहुत खुश थे कि कोई नई जगह है ये जहाँ पे हमें सब लोग लेके आए हैं और हमें बहुत सारी मस्ती करनी है, और बहुत सारी मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पे 1 BHK 2 BHK है, बट 1 BHK में सोने का सेटअप है, रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, और बच्चे देखिए क्या स्टंट करे, तो मेरे को बहुत डर लगता है जैसे मैं कहीं पे भी नई जगह जाती हूँ ना बच्चों के साथ, कि अगर वो 1 BHK लाइक एक होटल रूम से ज्यादा बड़ा है तो मेरे को लगता है कि यार या तो वो तोड़ देंगे या कुछ ना कुछ वो अपने आप को हर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे पापा चाय बना रहे थे, और यहाँ पे मेरे पापा बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, हमारे घर में पापा बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, पापा से चाय बनवाते ही बनवाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैठने का इंतजाम भी कर रहे थे, तो ज्यादा रुकने की फैसिलिटी है नहीं यार, आप लोग देख सकते हो, वो खुद भी सुबह से जाके शाम में आता है, उसकी ड्यूटी रहती है, कई बार उसकी 24-24, 36-36 घंटे की ड्यूटी रहती है, डॉक्टर की लाइफ ऐसी रहती है कि उसे कभी भी रात में जाना पड़ता है, तो हम लोग ज्यादा उसको ये रहता है कि हम लोग जाएंगे भी तो हमें ज्यादा मिलेगा नहीं, तो इसीलिए मैं नहीं गई इतने टाइम से, ये कोई मतलब नहीं उसका वो रहता है। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा खा रही थी, और फिर सब बोल रहे थे कि तैयार होके हम लोग निकलते हैं, मतलब जैसे हैं हम लोग वैसे निकलते हैं, चाय पीते हैं फिर निकलते हैं डिनर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, पापा बना रहे थे चाय, और जल्दी से क्या बोलते हैं, दूध भी गर्म हो रहा था, और भाई तो ऑब्वियसली नहीं बना पाया, वो ड्यूटी से ही आया था उस टाइम, जस्ट आके बैठा ही था वो। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे, सब लोग खेल रहे थे, फिर हम लोग निकलेंगे क्या बोलते हैं डिनर के लिए। ये हमारी चाय रेडी हो गई थी, और गाइज मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ना जाने के रीजंस भी होते हैं, वो रीजन ये है यार, बहुत लंबी लंबी डॉक्टर्स की ड्यूटी रहती है, डॉक्टर का ऐसा टाइम ही नहीं रहता, अगर वो गया है कई बार तो 24 घंटे 36 घंटे ऐसे आता ही नहीं, घर ही नहीं आ पाता, और जो भी उसकी हाउस हेल्प है वो पीछे से आके काम करती है, तो इट्स लाइक जॉब जो कि आपको 24 घंटे ड्यूटी पे ही रहना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग चाय पी, और फिर हम लोग तैयार हो गए थे निकलने के लिए डिनर के लिए। तो हम लोग सोच रहे थे कहाँ जाए, हर जगह पानी भरा हुआ था, तो थोड़ा सा थोड़ा सा जोमैटो से मंगवा लें, फिर सबका प्लान बना नहीं यार बाहर खा लेते हैं, पर उसके बाद फिर हमने जोमैटो से मंगवाया था, क्योंकि खाना बहुत ही बेकार खा के आए थे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग चले गए थे लिफ्ट में, और लिफ्ट में जाने के बाद हम लोग मतलब भाई चला गया था पार्किंग में, तो वो गाड़ी लेके आएगा, तब तक हम लोग पहले उतर गए थे, तो उसे पार्किंग बेसमेंट में जाना पड़ता, तो वो अलग लिफ्ट में गया था। तो यहाँ भाई आ गए थे अपनी गाड़ी लेके, तो गाड़ी अभी 1 हफ्ते पहले बन के आई है, याद आपको मेरा 2-3 महीने पुराना व्लॉग जिसमें मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, ये वाली कार थी XUV 700, और इसका पूरा पूरा जो एक साइड था पूरा हो गया था डैमेज, जो कि अभी बना है 1 हफ्ते पहले जो गाड़ी है ये उठी है, तो 2-3 महीने इस गाड़ी को रिपेयर होने में लगता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं निकल गए थे डिनर के लिए। जी हाँ, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो रही है, और मैं जाके देखती हूँ उसे, कभी कभी वीडियो का वॉइस ओवर बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि इस वीडियो का है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप गए हो फैमिली के साथ तो आप शूट करते रहते हो बट ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि आप उस मोमेंट्स को एंजॉय करते हो। अब नाउ आप देखिए आप कितना पानी भरा पड़ा है, तो आप अपार्टमेंट के बीच में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ कि गाड़ी हो रहा था, ऑल्दो तो गाड़ी काफी ऊंची है, पर जब आए थे तो ये गाड़ी एकदम ऐसे डूब गई थी हमारी, जब रात में हम लोग दूसरी गाड़ी से आए थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम श्रीराम ढाबा गए, पता नहीं है मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया है, क्योंकि हम दाल मंगाई थी, पनीर मंगाया था, और आलू जीरा और नान वगैरह मंगाए थे, जो कि बिल्कुल भी स्वाद हम लोगों को नहीं लगे, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया, और फिर हम लोग आ गए थे
वापस, और उसके बाद फिर मेरे भाई ने इडली मंगवाई थी अलग से, तो फिर हम लोगों ने रात में इडली खाई। तो यहाँ पे सोने का इंतजाम ऐसा था कि सबने बिस्तर नीचे डाला, मेरे भाई ने अपना गद्दा नीचे डाला, सब लोग नीचे डाल के लेट गए थे कि यार यहीं सोना है, और अब इसीलिए हम लोग का ये था। तो चलिए अब मैं आप लोगों से सुबह मिलती, पता नहीं ये कौन सी क्लिप ऐड हो गई मुझसे। भाई रद्दी खाना खा के आए हैं, तो अभी खाना ऑर्डर हो रहा है फिर से, जो कि है इडली, और राजा और भैया में हो रहा है डिस्कशन। और यहाँ पे दीपा ने चेंज कर लिया, मेरे को चेंज करना है। पापा का बिस्तर ये है तो हमारा बिस्तर क्या होगा? चलो चेंज कर लूँगा। भाई और बहन दोनों चले गए हैं काम पे, और मेरे भाई का हॉस्पिटल यहाँ से थोड़ा पास में है, तो वो निकल गया था कल रात को। और आई थिंक मैंने थोड़ी बहुत भी बात नहीं करी, क्योंकि आगे मैंने थके हुए थे, बात कर रहे थे आपसे भी बहुत टाइम बाद, पापा और बहुत टाइम बाद मिले थे, तो वही गपशप चल रही थी। एंड माई ब्रदर इज़ नॉट वेरी कम्फर्टेबल कि वो कैमरे में आए, लाइक ही इज कैमरा शाय, बट ऐसा कि आप कैमरा में ले लो बट बात करने में ही इज कैमरा शाय, तो ऐसे कैमरा फेस नहीं करते। बट हाँ, तो अभी हम लोग उठे हैं और चाय बन रही है, तो अभी हम लोग उठे हैं, चाय बन रही है, और क्या बोलते हैं ब्रेड सेक रही है। हम लोग के जाने का टाइम भी है, तो मैं तो या तो आज निकलूँगी शाम में, या मैं कल निकलूँगी, मुझे पैकिंग करनी है घर जाके, तो इसलिए निकलना है हम लोगों को आज शाम को, या राखी बना के। तो राखी मैं राखी से पहले कर रही हूँ, क्योंकि राखी वाले दिन ऑब्वियसली हम लोग की फ्लाइट है, तो वहीं से निकलना पड़ेगा मेरे घर से, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा पड़ जाएगा। और यहाँ से ऐसा रहेगा कि सामान वामान लेके जाना, यहाँ पहले सामान लाओ फिर सामान लेके जाओ, तो घर ही से निकलूँगी, इसलिए मैं राखी वाले दिन घर पर रहूँगी। तो राखी का प्लान हम लोग कहता था कि हम राखी पहले बांध देंगे, और क्योंकि मेरी पहली राखी आफ्टर शादी बांधने वाली जो मैं हाथ में बांध पाऊँगी, तो काफ़ी स्पेशल है। मैं रुकने वाली थी, अब कुछ बहुत ही अर्जेंट चीज़ें फंस चुकी हैं, और कुछ है ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अभी फ़िलहाल ऐसा है कि हम लोग खुद ही थोड़ा सा उसमें है कि पता नहीं यार सॉल्व हो जाए, कुछ बहुत दिक्कत वाला काम फंस गया, तो मैं इसे जल्दी जाना पड़ रहा है। 21 तक जा रहे थे वैसे हम लोग राखी बना के, पर अब 19 अब राखी वाले दिन जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जाना पड़ रहा है, तो जा रहे हैं ना। तो मम्मी सोई हुई है, मैं भी ब्लॉग एंड करूँगी, मैं पहले मम्मी को दिखाती हूँ, थोड़ा सा घर का टूर देंगे कल के आज के ब्लॉग में, लेकिन कल वाले ब्लॉग में तो इतना कुछ नहीं है। 2 BHK की फ्लैट है 11th फ्लोर में, एंड एक बैचलर का फ्लैट है ऑब्वियसली, ये मेरे भाई का सर्टिफिकेट है आई थिंक मेडिकल कैंप में हो गया होगा तब का, और बाकी ये वैसे है ना। पापा मेरे बहुत ही चाय बनाते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, कैसी रही आपकी रात? देख ले इतना सो रही है। मैं तो एक बार 5 बजे उठी हूँ। और खाना बनाया था इन लोगों का किसी का? ना ना, तो खा पी पापा बोल रहे थे मम्मी तो उठ उठ के खा रही है, सो रही है मस्त। मम्मी की फेवरेट जगह है अभी मैं जो घर से जाऊंगी तो मम्मी आएंगी यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि भाई पूरे दिन नहीं रहते। हाँ अंकुर आएगा 7 बजे। देखो दे दो कर रहे हैं आप इस वीडियो को, एंड आज बनाएंगे हम लोग राखी, आज राखी बनाएंगे हम, मिलते हैं। गर्म हो रही है बहुत ज़्यादा एसी से। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।